लक्सर रुड़की मार्ग के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के पश्चात सड़क हादसों का ग्राफ आंकड़ों में आज भी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के समक्ष चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि प्रतिवर्ष शुगर मिल के पेराई सत्र सीजन में जाम भी क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ता है, जिसमें कस्बे का फ्लाईओवर ब्रिज भी शामिल है। मगर अब खानपुर के विधायक उमेश शर्मा द्वारा इसका विकल्प तलाश कर सरकार से काम भी शुरू करा दिया गया है। विधायक उमेश शर्मा ने राज्य सरकार को भेजे एक प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान उन्होंने कस्बे के फ्लाईओवर ब्रिज को पार करने में अत्यधिक बाधा महसूस की थी और उनके द्वारा रात में गंभीर मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस भी फंसी हुई देखी गई थी। मगर उस वक्त गुजरने के साथ साथ वह क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ होते गए और लक्सर कुआखेड़ा मार्ग को बाईपास मार्ग में परिवर्तित करने हेतु पहल कर सीएम को पत्र लिखा, जिसमें पीडब्ल्यूडी को भी कार्यदायी संस्था के रूप में शामिल कर कार्य शुरू कर प्रथम चरण में स्टूमेंट के साथ पहला ड्राफ्ट 10 अक्टूबर को उपलब्ध होने जा रहा है। खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने बताया कि इससे क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी और लक्सर कुआखेड़ा बाईपास मार्ग में तब्दील होकर पूरे क्षेत्र को सौगात के रूप में समर्पित होगा। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। देखिए, मैं चुनाव के दौरान जब यहाँ आया तो मुझे सबसे ज़्यादा समस्या हुई लक्सर वाला पुल पार करने में। अक्सर यहाँ पर घंटों घंटों जाम लगता था। एक रात में जब उधर से आया तो लगभग समय रहा होगा कोई 11:30-12 बजे का, तो एम्बुलेंस फंसी हुई थी बीचों बीच। अब वो ना आगे जा सकती थी ना पीछे जा सकती थी। मैंने उस एम्बुलेंस वाले से पूछा, मैंने कहा क्या है भाई? बोले जी मरीज है, और मरीज की हालत भी ख़राब थी। तो मुझे लगा कि ये जो पुल है लक्सर का, इसके कारण ये पूरे क्षेत्र की जनता त्रस्त है। फिर धीरे धीरे, क्योंकि भाई मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं इस क्षेत्र से अनजान था, मुझे रास्ते भी नहीं पता थे। धीरे धीरे मैं रास्ते समझा, धीरे धीरे मुझे गांव के रास्ते पता लगे। तो हम लोग लक्सर से जो कुआखेड़े वाला रास्ता सोलानी पर जाने के लिए लेते थे, मुझे लगा कि इस रास्ते का बाईपास बनवाना चाहिए। ये बाईपास बनने से हमारे पूरे क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी। तो मैंने उसके लिए कार्य शुरू करा, चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी, पीडब्ल्यूडी को लिखी और पैरवी करी। तो उसमें अब पहले चरण में यहाँ से एस्टिमेट बनना शुरू हो गया और सरकार को उसका पहला ड्राफ्ट सोमवार को चला जाएगा। तो मेरा प्रयास है कि ये एक बाईपास यहाँ बन जाए तो इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात हो।